हाल ही में उरी के आतंकी हमले में भारत के 18 जवान शहीद हो गए, जिसे लेकर पूरे भारतवासी पाकिस्तान के खिलाफ अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। हर कोई अपनी अपनी तरह से शहीदों के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश में जुटे हैं। मीरा भाईंदर के बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता ने इस बार अपना जन्मदिन उरी के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि के रूप में निधि समर्पित करने के उद्देश्य से मनाया। बता दें कि विधायक नरेंद्र मेहता ने अपने सभी अतिथियों से अनुरोध किया था कि वो गिफ्ट वगैरह ना लाते हुए कुछ नकद राशि उरी के जवानों के लिए जमा करें, जिससे वो जवानों के परिवार वालों की मदद कर सके। इस कार्यक्रम में बीजेपी से जुड़े तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। पेश है समय नेशनल की एक खास रिपोर्ट। मेरा भाईंदर शहर के विधायक जिन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर उरी में हुए शहीदों को लेकर अपने जन्मदिन के विशेष तौर पर यह ऐलान किया है कि बिना किसी हिल उज्जत के, बिना किसी दिखावे के आप सीधा वो निधि जो है वो उन शहीदों को दान करें। इस प्रकार कई ऐसे समाज से भी इस मंच पर आए हैं जिन्होंने चेक के रूप में, धनराशि के रूप में उन शहीदों को जो है वो दान किया हुआ है। सर क्या कहना चाहेंगे, जन्मदिन का मौका है, पहले तो शुभकामनाएं आप। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जन्मदिन का मौका है, हर व्यक्ति जिसका जन्म होता है उसके लिए बहुत ही बड़ा महत्व का दिन होता है, खुशी का होता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ देश के अंदर जो घटना घटी है उसकी हम निंदा करते हैं, और उस परिवार को ध्यान में रखते हुए हमने सबसे अपील की थी कि इस जन्मदिन के अंदर आप भूखे पे खर्च ना करें। मुझे यदि आप शुभकामनाएं देना चाहते हो तो धनराशि के लिए उन परिवार के लिए हम दें, ताकि उन परिवार को हम वो चीज़ तो नहीं लौटा सकते जो उन्होंने खोया, लेकिन फिर भी एक हाथ, एक इस देश के नागरिक होने के नाते हम उनकी ओर बढ़ाए। तो सभी लोगों ने, बहुत लोगों ने उसके अंदर धनराशि आज दी है जो हम शहीद परिवारों को देंगे। साथ ही साथ ये ब्रिज मंडल मूवी, हमारे सुशील जी अग्रवाल वहाँ के अध्यक्ष है और हमारे सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक राशि जमा की है जो उसी सहायता के लिए दे रहे। ये जो भी राशि जमा होगी उन परिवार को पहुँचाई जाएगी। आज के जन्मदिन के हम इसी तरह से मनाने का सोचा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत ही सराहनीय कार्य है। क्या कुल अंदाजा है कितने कुछ लोगों ने दान कर दिया या कितने लोग डोनेट कर? नहीं, क्योंकि वो गुप्त दान है, लोग अपनी तरीके से कर रहे हैं, अब वो खुलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये मैंने कहा कि जितनी राशि पब्लिक की जमा होगी या मेरे चाहने वालों की जमा होगी उतनी राशि मैं अपनी ओर से उसके अंदर दूंगा और वो उन परिवार को पहुंचाएंगे। साथ ही साथ आज दीनदयाल उपाध्याय जयंती है, जिनका हमेशा ये सपना रहा था कि अंत के व्यक्ति तक सुविधाएं, सेवाएं पहुंचनी चाहिए, और आज मोदी जी का भी एक सपना है कि केरोसिन मुक्त भारत हो। इस मीरा भाईंदर के अंदर हमने 5,000 परिवार चूल्हे मुफ्त बांटने का निर्णय लिया है। गैस का बाटली का पैसा भरे, चूल्हा हम अपनी तरफ से देंगे आज इस निमित्त। तो ये भी एक कार्यशैली आज हमने हाथ में ली। सुबह में स्वच्छ भारत का अभियान 2 अक्टूबर आ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए इस मुहिम की भी आज हमने शुरुआत की है। जी बिल्कुल, कहने का बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल होता है, जन्मदिन के तौर पर जो पैसे जो है वेस्ट किए जाते हैं उससे कहीं ना कहीं सही जगह पर इस्तेमाल किया गया है। बड़े जल्दी गजानन दुबे के साथ अरुण गुप्ता, समय मुंबई। उरी में कुछ दिन पहले आतंकवादियों ने जो हमला किया उस हमले में हमारे 18 से 20 जवान शहीद हुए। उसके बाद नरेंद्र मेहता जी के मन में ये विचार आया कि आज हमारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता और चाहने वाले लाखों रुपए के गिफ्ट लाते हैं, लाखों रुपए होर्डिंग से बैनर्स में खर्चा करते हैं। उन्होंने बैनर लगाने के भी मना किया, उन्होंने सबको एक ही चीज बोली कि ना कोई मेरा बैनर लगाओ, ना कोई गिफ्ट लाओ, ना कोई बुके लाओ, ये पैसा आप रिलीफ फंड में डालो, वो जो शहीद हुए हैं उनके परिवार को ये फंड देने की उनकी इच्छा थी, इसलिए उन्होंने ये किया।